Assalamualaikum and welcome to Alpha AZ Securities, one of Pakistan's leading stock brokerage firms. मैं हूँ शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ. तो आज एक और बहुत ही वोलेटाइल दिन था स्टॉक मार्केट में और हमने इंडेक्स को फाइनली 53 पॉइंट्स प्लस बंद होते हुए देखा है. ऑलमोस्ट 54 पॉइंट्स 43,883 पे. अच्छा, बट नॉट बिफोर कि इसने 680 पॉइंट्स लूज भी किए. आज जो जो मार्केट खुली तो प्रेशर में ही थी कल, बिकॉज कल भी मंदी थी तो प्रेशर में खुली. और फिर स्टॉक प्राइसेस में हमने देखा कि वो सेलिंग आनी शुरू हो गई. बट आज जो एक चीज़ मुख्तलिफ हुई, जब सेलिंग आई और काफ़ी प्राइसेस नीचे आ गई, कुछ स्टॉक्स नीचे के लॉक पे भी हिट हो गए. ट्रीड फिर नीचे के लॉक पे, जहां ऊपर के लॉक्स लगे थे तो अब नीचे के लॉक्स लग रहे हैं. आज दूसरा नीचे का लॉक था तो ट्रीड नीचे का लॉक. बाकी भी स्टॉक्स, सीमेंट ले लें, टेक्नोलॉजी, स्टील, बाकी सब सेक्टर्स, रिफाइनरीज, ऑटोज, हमने देखा कि काफ़ी सेलिंग प्रेशर आया. और वहाँ पे फिर हमने देखा कि इंडेक्स ने जो कुछ सपोर्ट लेवल्स थे, और मैंने सुबह मेंशन भी किया था कि 43,500 एक सपोर्ट है, फिर 43,300 सपोर्ट है, और उसके बाद फिर 43 और देन उससे नीचे 42,700-800 पे सपोर्ट. तो हमने देखा कि 43,500 का जो सपोर्ट था वो टूटा, सेकेंड सपोर्ट 300 की वो भी टूटी, और फाइनली जो लो टच किया इंडेक्स का वो 43,149 था. उस पर 680 पॉइंट मार्केट नीचे थी और वहाँ पे हम देखा कि कुछ सपोर्ट आनी शुरू हुई. और फिर इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि सीमेंट सेक्टर में हमने देखा कि बाइंग आई, अक्यूमुलेशन शुरू हुई और वॉल्यूम्स आने शुरू हुए. और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सीमेंट्स के कुछ स्टॉक्स बढ़े तो हमने देखा कि पहले तो दूसरे जो सीमेंट के स्टॉक्स पीछे रह गए थे उन्होंने भी गेन करना शुरू किया. फिर इसके बाद दूसरे भी सेक्टर्स में वो स्पिल ओवर होना शुरू हो गया जो बाइंग हमको नज़र आ रही थी. तो वॉल्यूम्स आज इम्प्रूव हुए और वो दिखा रहे थे कि जी नीचे अक्यूमुलेशन हुई है. तो आज के सी 100 में 188.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए. तो कल सिर्फ आई थिंक, अगर मुझे सही याद हो तो कल अराउंड 88 मिलियन शेयर्स ही हुए थे ट्रेड. तो आज 100 मिलियन शेयर्स ज़्यादा ट्रेड हुए हैं. और सीमेंट्स में हमने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखी है. पायनियर सीमेंट जो बहुत नीचे हिट हो गया था, आज का जो लो था 66.50 रुपये का, उसने लो टच किया. मैंने पहले ही मेंशन किया था कि जो सीमेंट स्टॉक्स हैं वो एक एक साल के, सवा साल के लोस पे नज़र आ रही हैं ये प्राइसेस सीमेंट स्टॉक्स की. यानी कि पिछले साल अराउंड दिस या उससे भी पहले अराउंड अगस्त जुलाई में ये प्राइसेस थी कुछ स्टॉक्स की जो इस वक्त हमको नज़र आ रही हैं. तो ये लेवल्स अच्छे हैं. और मैंने सुबह मेंशन भी किया था कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा, सॉरी तो बीच में एक इंटरप्शन थी, तो जो यहाँ से अपना मिड टर्म होराइजन या लॉन्ग टर्म होराइजन रखेंगे तो वहाँ पे ये अब स्टॉक्स अट्रैक्टिव हैं और यहाँ पे एक्यूमुलेशन करनी चाहिए. सो पायनियर सीमेंट में कोई 5.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए और ये ऊपर के लॉक पे हिट हुआ. यानी कि जो 75.90 पे है, 66.50 का लो और फिर 75.90, तो ऑलमोस्ट जो है 10 रुपये की मूवमेंट हमने इंट्राडे बेसिस पे देखी. तो गुड गेंस जो है वो आज हमने देखे. फिर इसके बाद लकी सीमेंट ने भी गेन किया, डीजी, मेपल लीफ, कोहार्ट, चिराट, सो तमाम सीमेंट स्टॉक जो थे उनकी आज परफॉर्मेंस बेहतर थी. फिर हमने देखा कि जो स्पिल ओवर्स आया इस तेजी का दूसरे सेक्टर्स में वो अलबत्ता सस्टेन नहीं कर सका. टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आज भी प्रेशर में बंद हुए, आखिर तक टीआरजी में सेलिंग हो रही थी. और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है, और कुछ ज़ाहिर है कि जो और भी स्टॉक्स थे जो पॉजिटिव थे उसमें इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज ने 147 के करीब लो बनाया और वहाँ से 158 के करीब क्लोजिंग हुई है. आई थिंक मैं और कंफर्म भी कर लूँ बिकॉज और आखिरी आधे घंटे में जो मूवमेंट होती है, जी 158 मेरे पास, तो 158.49 की क्लोजिंग आ रही है. एनीवे, सो अच्छे गेंस हमको नज़र आए काफ़ी जगहों पे, काफ़ी स्टॉक्स में. बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको मेंशन करना चाह रहा हूँ कि वो ये है कि आज जो वॉल्यूम्स में इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें अगर हम टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स देखें तो उसमें सिर्फ दो स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो पॉजिटिव बंद हुए हैं. यानी कि ज़्यादा वॉल्यूम्स होने के बाद भी जो टॉप 10 में से 8 स्टॉक्स ऐसे हैं कुछ जो नेगेटिव बंद हुए हैं. अच्छा, दूसरी जगह पे जहाँ हमने बाइंग देखी वो बैंक्स थे. HBL ने अच्छा गेन किया, UBL ने अच्छा गेन किया, MCB के गेंस जो किए थे वो ज़्यादा नहीं थे और आखिर में थोड़ा स्लिप भी हो गया था नीचे. बट HBL, UBL, एलाइड बैंक जो ऊपर के लॉक पे हिट हुआ, तो बैंक्स में भी हमने आज अच्छे वॉल्यूम से बाइंग भी देखी है. सो ये सीमेंट और बैंक्स ने आज लीड किया जो मार्केट का रिबाउंड था. 680 पॉइंट्स
वो रिकवर हुए और 54 पॉइंट्स प्लस बंद हुई है मार्केट, तो तकरीबन 700 पॉइंट से ज़्यादा की हमने मूवमेंट देखी है और रिकवरी हमको जो नज़र आई है। अच्छा, अभी जो मैंने मेंशन किया है कि काफ़ी स्टॉक्स में बड़े वॉल्यूम्स हमको नज़र आए लेकिन वो नेगेटिव बंद हुए, तो ये अभी भी दिखा रहे हैं कि मार्केट में कुछ मसला है और कोई सेलर है जिसका व्यू शायद दूसरे इन्वेस्टर से मुख्तलिफ है। अब हमें नहीं पता कि ये भी डिस्ट्रेस सेलिंग है या ये बस एक सेलिंग है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, क्या है, बट वॉल्यूम्स होने के बावजूद भी स्टॉक्स 8-8 रुपये नीचे बंद होना, जैसे TRG की एग्जाम्पल ले लें जो 8 रुपये 15 पैसे नीचे बंद हुए, 12.2 मिलियन शेयर्स पे ट्रेड हुए और आखिर तक सेलिंग आ रही थी। सो ये घबराहट अभी भी हमको कुछ नज़र आ रही है, तो देयर समथिंग स्टिल जो आई थिंक मार्केट में इन्वेस्टर्स को, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो सेलिंग पे मजबूर कर रही है, एंड वी डोंट नो कि वो क्या है, किस किस्म का डिस्ट्रेस है, या सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग है, या उनका व्यू बहुत नेगेटिव है गोइंग फॉरवर्ड। सो ये थोड़ा सा इसलिए अभी भी कॉशियस रहना ज़रूरी है मार्केट में, और छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करना वाली जो स्ट्रैटेजी है उस पर ही आई थिंक अमल दरामद करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा कि अट्रैक्टिव है स्टॉक वैल्यूज, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन ज़रूर करें, एंड स्पेशली जहाँ पे हमको डिविडेंड पेमेंट्स करीब हैं। कल भी कुछ स्टॉक्स डिविडेंड एक्स डिविडेंड हो जाएंगे, उससे PSO है 10 रुपए का डिविडेंड, PSO ने टुवर्ड्स दी एंड थोड़ा गेन किया, उसकी स्टॉक प्राइस ऊपर आई और क्लोजिंग हुई है PSO की 195.50 पे, तो कल 10 रुपये नीचे उसका ज़ाहिर है कि ओपनिंग होगी, तो 2 रुपये 26 पैसे गेन हुए उसकी प्राइस में कल के मुकाबले में, एंड ऑलमोस्ट 890,000 शेयर्स ट्रेड हुए। सो इस पे फोकस रखें, वैल्यूज़ देखें, वैल्यूज़ अट्रैक्टिव हो रही है वहाँ पे तो ज़रूर एक्यूमुलेट करें और जंप वहाँ से ज़रूर मिलेगी। देखें एट वन पॉइंट इन टाइम जब कोई चीज़ बहुत सस्ती हो जाती है तो फिर उसमें ऑटोमेटिकली जो है इन्वेस्टर्स कूद पड़ते हैं एंड देन प्राइस स्टार्ट्स टू राइज। ये मैंने पहले भी कहा था कि देखें एक बायर आएगा और थोड़े से वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नज़र आएंगे तो दूसरा कहेगा कि मैं ये क्यों अपॉर्चुनिटी मिस करूं, ये इतना सस्ता मिल रहा है स्टॉक, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर देखा जाए तो उस पर भी ये बड़ा अट्रैक्टिव लेवल पे है तो मैं भी कूद पड़ता हूँ। देन द सेकेंड द थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड देन दिस इज हाउ द वॉल्यूम जो है वो पिक करना शुरू कर जाता है और स्टॉक प्राइस भी ऊपर जानी शुरू हो जाती है। सो इस पर भी फोकस करें। सो और बाकी अगर देखा जाए तो आज इंटरबैंक मार्केट में 171 से ऊपर क्लोजिंग हो गई है रुपी की, तो रुपी इज स्टिल अंडर प्रेशर, और जैसे मैंने पहले भी एक सवाल रेज किया था कि स्टेट बैंक ने जो कुछ इकदाम लिए हैं अफगानिस्तान के हवाले से, खास तौर से जो वहाँ पर डॉलर जा रहे हैं, तो उसको 20 अक्टूबर से क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आज से क्यों नहीं कर रहे। आई होप कि अगर कोई स्टेट बैंक का ऑफिशियल मेरे ये सुन रहा हो तो वो उसका कोई जवाब दे। कोई रीज़न होगा डेफिनेटली, वेल वी वुड लाइक टू नो कि क्या रीज़न है। सो खैर ये खबरें, लेट्स सी सुबह तक और क्या खबरें आती हैं एंड देन वील डिस्कस के कल मार्केट कैसे जो है वो उसमें ट्रेड करना चाहिए। सो हैव अ नाइस इवनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।